वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 5 सितंबर 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 5 सितंबर के जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखा करें। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और लास्ट में मैं आपसे क्विज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था और वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और वहीं वे द्वितीय राष्ट्रपति भी थे और वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें सन 1954 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड टीचर डे यानी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको पेपर में ध्यान से देखना है, अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 5 सितंबर और आपसे विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 5 अक्टूबर। और आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए नीचे जाकर लाइक के बटन को अभी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल्द ही परिवहन के लिए वन नेशन वन कार्ड नीति लागू करेगा, यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, यह घोषणा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के द्वारा की गई है और भारत जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के लिए वन नेशन वन कार्ड नीति का अनावरण करेगा जो परिवहन की विभिन्न प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी को लागू करेगा। और यह घोषणा नई दिल्ली में भविष्य गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2018 पर एक समारोह में की गई है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि भविष्य गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर हुआ, तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में, यह भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आता है नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और वहीं इसके प्रेजेंट उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वहीं इसके प्रेजेंट CEO हैं अमिताभ कांत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर अरिफुर रहमान अलवी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से संबंधित है और वहीं इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और इमरान खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से संबंधित है। आपको ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि कई बार आपसे पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक पदक विजेता और 5 बार विश्व चैंपियन बनी MC मैरीकॉम को बनाया गया है और वहीं MC मैरीकॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर राज्य में हुआ था और उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वहीं बात करें BSNL की, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 में की गई थी और वहीं इसके प्रेजेंट CEO हैं श्री अनुपम श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक के लिए कोटा स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय निशानेबाजों की जोड़ी कौन सी बनी है? तो इसमें आंसर आएगा, अंजुम और अपूर्वी की। अंजुम ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप की महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता और वहीं इसी इवेंट में अपूर्वी चौथे स्थान पर रही है। और वहीं बात करें 2020 ओलंपिक की, तो 2020 के ओलंपिक 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच में टोक्यो जापान में खेले जाएंगे और ये 32वें ओलंपिक होंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों की कितने से अधिक शाखाओं में आंतरिक लोकपाल होना आवश्यक है? तो इसमें आंसर आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 10 से अधिक शाखाओं के साथ एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा है, और वहीं RBI ने लोकपाल नियुक्त करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यानी RRB रीजनल रूरल बैंक को बाहर रखा है, और इसका लक्ष्य RBI बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के स्तर पर शिकायतों का निवारण किया जा सके और ग्राहकों को निवारण के लिए अन्य मंचों से संपर्क ना करना पड़े। और वहीं RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, और वहीं प्रेजेंट में इसका मुख्यालय मुंबई में, और वहीं प्रेजेंट में RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो इसमें आंसर आएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख बने हैं मिशेल बेचलेट, और यह 2 बार चिली की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और वहीं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनिया गुटेरेस। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किसके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऐप जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा, कॉफी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए। वहीं सुरेश प्रभु ने कॉफी कनेक्ट, इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स और कॉफी कृषि तरंग ऐप लॉन्च किए हैं। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है, और दक्षिण भारतीय राज्य भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, और जिसमें कर्नाटक राज्य में 53%, केरल राज्य में 28% तक और तमिलनाडु राज्य में 11% तक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? तो अगर आपसे चाय पूछी जाए तो भारत में असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, भीमसा योजना के तहत, और गरीबी रेखा से नीचे के तहत आने वाली महिलाओं पर केंद्रित इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के पारदर्शी तरीके से वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को स्थानांतरित करना है। और वहीं प्रेजेंट में राजस्थान की CM है वसुंधरा राजे, और प्रेजेंट में राजस्थान के राज्यपाल है कल्याण सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थिएटर नेटवर्क संचालित करने वाली कंपनी को सबसे विश्वसनीय ब्रांड का पुरस्कार मिला है? तो इसमें आंसर आएगा, सिनेपोलिस को, और सिनेपोलिस की स्थापना 1947 में मोरेलिया मेक्सिको में की गई थी, और वहीं इसका मुख्यालय भी मोरेलिया मेक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी शुरुआत 8 मार्च को झुंझुनू राजस्थान से की गई थी, और सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, और इस महीने में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों में स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया और कम वजन जैसे कुपोषण से संबंधित मुद्दों पर व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, स्टंटिंग क्या है? स्टंटिंग कुपोषण का भीषणतम रूप है जिसकी चपेट में आने वाले बच्चों का उनकी उम्र के हिसाब से न तो वजन बढ़ता है और न ही उनकी लंबाई बढ़ती है, या आप कह सकते हैं कि उम्र की तुलना में वे छोटे कद और कम वजन वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOWave 18 के नाम से जाने जाने वाला सुनामी मॉक ड्रिल में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत सहित टोटल 24 देशों ने भाग लिया,
और इसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर सुनामी की तैयारी को बढ़ाना है। वहीं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और यह भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध सलामी बल्लेबाज और पूर्व क्रिकेट कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा एलिस्टर कुक ने। और एलिस्टर कुक 2016 में 10,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले पहले अंग्रेजी बल्लेबाज थे, यानी पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा लुका मॉड्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह संयुक्त रूप से भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा आयोजित किया गया। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय विजन 2035 के तहत अगले 10 से 15 वर्षों में 60 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत भर में 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 सर्वाधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है? आपका पहला ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी नदी। और आप क्विज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें। क्विज के लिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2018 का ताज मिला है? आपके ऑप्शन है निहाल चुडासमा, मानुषी छिल्लर, दीपा पटेल और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो ये थे 5 सितंबर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम डेली करंट अफेयर की वीडियो की नेक्स्ट डोज लेके आएंगे। डेली करंट अफेयर की नेक्स्ट डोज वीडियो पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।